आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड छैया छैया शाहरुख खान का, वो इसी रूट पे शूट किया गया था। आज के दिन की शुरुआत टॉय ट्रेन को देखने के साथ, क्या बात है। 12:15 का मेरा बुकिंग है मेरा इस ट्रेन में, उदागमंडलम स्टेशन, मतलब ऊटी को उदागमंडलम भी बोलते हैं, उदागमंडलम स्टेशन से कुन्नूर तक। तो अपन 12:15 बजे इस ट्रेन में भी ट्रैवल करने वाले हैं। अभी फिलहाल अपन जा रहे हैं डोड्डा बेटा पीक का बेसिकली मतलब ही ये होता है हाईएस्ट पॉइंट। तो आप उस मतलब से ही समझ सकते हैं कि अभी अपन ऊटी के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। 9 बजे वहाँ का एंट्री गेट खुल जाता है और टिकट्स वगैरह मिलने लगते हैं, तो मैं सोच रहा था अगर मैं 9 बजे तक पहुँच जाता हूँ तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि यार कंबल के अंदर इतना अच्छा लग रहा था ना सोने में कि मैं उठ ही नहीं पाया टाइम पे। यार मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना अंडर एस्टिमेट कर दिया यहाँ की ठंड को। मुझे लगा ठीक है अभी गर्मी समर क्योंकि शुरू हो गया है तो कितना ही ठंड होगा, हैदराबाद में तो पूरा ही समर शुरू हो गया ना, क्योंकि मैं सोचा यहाँ भी कितना ही ठंड होगा, दोनों तो साउथ में ही है। बाद में जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको समझ में आया, नहीं भाई ऊटी में और बाकी के साउथ इंडिया में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ ठंड है। यहाँ पे सुबह सुबह टेम्परेचर पहुँच रहा था 6-7 बजे के आसपास 7 डिग्री। तो ये देखो बोर्ड में लिखा भी हुआ है और आपको ये वाला टर्न लेना है, बेटा पीक दिस टर्न। सो 10 रुपये लगा यहाँ का एंट्री टिकट बाइक्स का, अब कार वगैरह का तो मैंने देखा नहीं है, तो आई गेस यही वो गेट होगा जो 9 बजे से पहले खुलता नहीं है। यार मैं सही बता रहा हूँ, हिल स्टेशन वगैरह में ना अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो भले कुछ और चीज़ हो सकता है आपको ना मजा आ रही हो, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना बहुत पसंद है तो आप रोड्स बहुत इन्जॉय करेंगे। मतलब ये रोड्स आपकी ना नज़र हटने नहीं देंगे खुद से, भले साइड में कितना भी ब्यूटीफुल सीनरी हो कुछ भी हो, ये आपको एकदम अटेंशन पकड़ के रखेंगे, भाई तू नज़र हटाया मतलब तू देख ले फिर आगे क्या होगा। यार सीरियसली हम लोग काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है ना कि पेड़ ही पेड़ हो रहे हैं, कहीं खाली जगह नहीं मिल रहा, वरना आपको मैं बताता बाइक्स कहाँ लगानी है यहाँ लगानी है। देखो मैं बोल रहा था ना अपन काफ़ी हाइट पर आते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये देखो वो छोटा सा दिख रहा है टाउन एकदम। चलो अंदर चलते हैं, यही इसका एंट्री गेट, ये देखो टोड्डा बेट्टा वेलकम्स यू, थैंक यू सो मच। ये है यहाँ का एंट्री टिकट वाला, एक 10 रुपीज़ टिकट मारा था बाइक अंदर लाने के लिए, एक यहाँ पे 10 रुपये एंट्री टिकट है पर हेड, अगर आप कैमरा रखे हैं तो उसमें एडिशनल चार्जेस हैं, स्टिल कैमरा का कुछ 15-20 रुपये है और ऐसे वीडियो कैमरा का 60 रुपये। सीरियसली हर जगह मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो कैमरा है इसकी वैल्यू मेरे से ज़्यादा है, तो चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए डोड्डा बेटा पीक का एक छोटा सा वीडियो। यार बहुत छोटी सी जगह है, अगर आप आएंगे तो आपको ना पूरा एरिया कवर करने में, हर व्यू पॉइंट देखने में मैक्सिमम 30-40 मिनट्स लगेगा। हाँ इससे एडिशनली अगर आपको फ़ोटो लेने में बहुत टाइम लग रहा है तो बात अलग है, छोटी सी जगह है, आप कोशिश करें कि जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि उतनी भीड़ यहाँ पर कम रहती है। जो ऊपर टेलीस्कोप रूम है वहाँ से जो सराउंडिंग का व्यू है बहुत अच्छा आता है, और वहाँ से अगर आपको अपने लिए फ़ोटोज़ चाहिए या यहाँ से कोई वीडियो बनाना है तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी भीड़ बढ़ने लगती है। भाई बहुत मुश्किल से टाइम लैप्स मैंने बनाया है, जैसे तैसे दो स्टैंड रखे उनमें अपना कैमरा रखा, बहुत भीड़ हो रही थी, हर किसी का फोकस व्यू से ज़्यादा इस पर था कि यार इस स्टैंड पर रखा क्या है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा था कैमरे का। बट एनी हाउ आई होप आपको टाइम लैप्स पसंद आया होगा,
तो चलो अब यहाँ से बढ़ते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। वहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट लगेगा मेरे को भी आधा घंटा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको सीधा अगले शॉट में ही पहुँचाते हैं वहाँ पर। तो जैसा मैंने कहा था, अगले शॉट में अपन पहुँचते हैं उदाग मंडलम रेलवे स्टेशन, ऊटी रेलवे स्टेशन। तो ये रहा वो, मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है यहाँ पे। पार्किंग फीस बाइक की जो है वो 30 रुपीज़ है। मैंने अपनी ट्रेन की जो बुकिंग की थी वो की थी IRCTC के ऐप से। ये है वो ट्रेन जिसमें अपने को बैठ के जाना है। अभी मैं बस पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी सीट कौन सी है। D1 मेरा सीट है D136, तो वहीं चल रहे हैं अभी। और मज़ेदार बात यह, बुकिंग के टाइम पे मैंने रैंडमली बुक कर लिया था, एक सीट मिल जाएगा ट्रेन में, बस और क्या चाहिए। मेरे को मिला विंडो सीट। आई जस्ट होप वो किसी ने हड़प ना लिया हो। एक्सक्यूज मी, मेरी विंडो सीट किसी और ने हड़प ही ली फाइनली। अभी प्रोबेबली यहाँ पे शायद डीजल इंजन यूज़ होता है, इससे पहले वो दिख रहा है, इससे पहले वो वाला इंजन यहाँ यूज होता था। A few moments later. This route is so damn beautiful कि आपको हर विंडो से एक हाथ निकला दिखेगा, जस्ट लाइक मी। जैसे मेरा हाथ बाहर है, हर विंडो से एक एक हाथ बाहर है लोगों से। मोस्टली ये लोगों को पता है, बट इफ़ यू डोंट नो द आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड छैया छैया शाहरुख खान का, वो इसी रूट पे शूट किया गया था, इस नीलगिरी माउंटेन हिल रेंज में। बहुत सुंदर रास्ता है सीरियसली। एज अ ब्लॉगर ये चीज़ मुझे तो नहीं बोलनी चाहिए, बट रेयरली इट हैपन्स, आप किसी ऐसे जगह पर होते हो जहाँ पे यू फील कि यार कैमरा वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा है जो आप देख सकते हो। एंड फॉर मी दिस रूट, ये पर्टिकुलर रूट एग्जैक्टली वैसा है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैं कुछ अच्छा कैप्चर कर सकूँ, बट वो ना सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। मतलब जो मैं देख रहा हूँ दैट इज़ समवेयर एल्स, अनदर लेवल। ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा दिखा सकूँ। तो फाइनली एक घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कुन्नूर स्टेशन। भाई सीरियसली, अगर आप ऊटी में हैं तो एक बार तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये टॉय ट्रेन वाला ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो ये उदाग मंडलम स्टेशन मतलब ऊटी से लेके मेट्टुपालयम तक जाता है, जो कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको उतना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं करना है, बट स्टिल आपको अगर ये ट्राई करना है टॉय ट्रेन वाला, तो आप कुन्नूर तक का ट्राई कर सकते हैं, ये छोटा डिस्टेंस है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अब अगला करना क्या है। ये है कुन्नूर का रेलवे स्टेशन, यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर लोकल कुन्नूर को एक्सप्लोर करना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं अपना बाइक इधर ले आऊँ, अब वो मैं कैसे लाऊँगा वो मैं नहीं जानता, या फिर यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। और ये जो ऊटी टू कुन्नूर का रोड है ये भी बहुत अच्छा है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अपना बाइक यहाँ ले आऊँ। रुकावट के लिए खेद है, अभी थोड़ी देर पहले था मैं कुन्नूर में, अभी मैं हूँ ऊटी में अपने रूम में। अब इसके पीछे की कुछ वजह है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत देर सोचने के बाद मुझे ये लगा कि यार अगर मैं कुन्नूर अभी तुरंत एक्सप्लोर करने लगूँ जब मैं वहाँ पे था, तो वो थोड़ा करेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि रीज़न नंबर वन, अगर मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमता हूँ तो ऑब्वियसली मैं कहीं भी रुक के आपको व्यू ठीक से नहीं दिखा सकता, जैसे मैं बाइक पे कर लेता हूँ। रीज़न नंबर टू, अगर मैं तुरंत यहाँ से बाइक लेकर अभी कुन्नूर निकलता हूँ तो मुझे पहुँचते पहुँचते 4:30 कुछ हो जाएगा। अभी ऑलरेडी 3:30 हो चुका है, यहाँ से कुन्नूर ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। तो 4:30 के बाद फिर मेरे पास मुश्किल से 1 घंटा और रहेगा जहाँ मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ सनसेट होने से पहले। तो यार हड़बड़ी में जल्दी में कुछ भी दिखाने से अच्छा ये है कि मैं अभी यहाँ आ जाता हूँ,
शाम को हम थोड़ा ऊटी के आसपास और घूम लेते हैं, और कल अपन कुन्नूर एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ साथ एक और जगह एक्सप्लोर करेंगे जो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अच्छा, एक रीज़न नंबर 3 भी है, मुझे क्या थोड़ा अपने ऑफिस का काम भी करना है, वो भी ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, आपसे सीधा शाम को मिलते हैं। वैसे तो शाम होने में यहाँ 1.5-2 घंटे हैं, लेकिन आपके लिए तो बस अगला शॉट है, तो अपन शाम को मिलते हैं। ठीक है, 3-2-1। सो वेलकम बैक। हम फिर से हाजिर हैं, अपने ज़रूरी काम निपटा कर हम वापस निकल चुके हैं ऊटी की सड़कों पर। क्या है कि देखो, अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम में सबसे बढ़िया अपन ये कर सकते हैं कि अपन कोई सनसेट पॉइंट पे जा सकते हैं, जहाँ से आराम से सन को सेट होते हुए देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ऐसा ही मैंने एक पॉइंट पता किया, मतलब गूगल में ढूंढ ढूंढ के पता किया, फ़ोटोज़ वगैरह देखे, तो ऐसा लगा कि हाँ ये सनसेट पॉइंट हो सकता है, तो बस हम उसी तरफ अभी जा रहे हैं। और क्योंकि शाम का टाइम है तो अच्छी खासी भीड़ है रोड पर अभी, और यही आप मतलब अभी से बस 3 घंटे और रुक जाओ, इस पूरे रोड पर सन्नाटा दिखेगा आपको, एकदम सन्नाटा, जैसे कभी कोई आया ही नहीं था यहाँ पे। लिटरली कल जब मैं ऊटी लेक में था, ऊटी लेक में बहुत भीड़, अच्छी खासी भीड़, सनसेट वगैरह होने के बाद मैं ऊटी लेक से बाहर निकला, टाइम लैप्स बनाना था क्योंकि मेरे को, और जब तक मैं बाहर निकला मैं देख रहा हूँ रोड एकदम खाली है, कोई नहीं दिख रहा कहीं। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ जो लोग रहते होंगे, जिनके घर होंगे ऐसे पहाड़ों पर, उनको तो क्या मज़ा आता होगा, रोज़ सुबह दरवाज़ा खोलो और एकदम शानदार नज़ारा आपकी नज़र के सामने, ओहो कितना पीसफुल लगता होगा। हाँ लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि जैसे हम शहरों में मॉल्स वगैरह घूम घूम के बोर हो गए, ये लोग यही पहाड़ देख देख के बोर हो गए होंगे। पॉइंट है ना, घर की उम्र की दाल बराबर हमेशा ही होती है। मेरे को ऐसा लगता है यही है वो पॉइंट जिसकी बात हम लोग कर रहे लेते। यार मैंने अभी यहाँ आने के बाद एक चीज़ नोटिस की कि जिस लोकेशन पर मैं आया हूँ, इसके पीछे ये है टी फैक्ट्री। यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा यहाँ के जगह के बारे में पढ़ रहा था, तब मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि इस टी फैक्ट्री में आपको बकायदा पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा कि चाय पत्ती राइट फ्रॉम द फार्म, वो चाय पत्ती का जो फॉर्म होता है वहाँ तक, वो स्टार्ट से लेके एंड तक कैसा आता है, वो पूरा यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन जैसा है, और एट दी एंड आपको शायद कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी सर्व किया जाता है। तो ये जाने का मेरा मन तो था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ यार पहले ये सनसेट थोड़ा देख लिया जाए सीरियसली, यहाँ से जो व्यू है भाई सिटी का। अभी क्योंकि सामने सूरज है तो थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जैसे थोड़ा सेट होता है तब आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा सिटी स्केप, पूरा सिटी। और एक और चीज़, यहाँ साइड में ईगल्स डेयर करके कुछ एडवेंचर एक्टिविटी जैसा है, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ बहुत सारे टाइप के आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने मिलेंगे, जैसे जिप लाइन है, और ये वैली क्रॉसिंग सामने चल रहा है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आके वो भी कर सकते हो। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको दिखाते हैं डायरेक्ट सनसेट का टाइम लैप्स। स्लोप में चढ़ाना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है उतारना। तो ये था आप लोगों के लिए टाइम लैप्स, आई होप आप लोगों को टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा। यार बहुत ही सुंदर स्पॉट है ये, आपको अपना बिताया हुआ यहाँ का 1 घंटा भी इतना वर्थ लगेगा, इतनी खूबसूरत जगह है ये। जो व्यू आता है सिटी का, उसके पीछे पहाड़ और उसके पीछे सनसेट होता हुआ, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप शाम का टाइम यहीं बिताएं। कल जब मैं आया था तो मैं शाम का टाइम सनसेट देखने के लिए ऊटी लेक गया था, बट मैं सच बता रहा हूँ ऊटी लेक के मुकाबले यहाँ से सनसेट देखना ज़्यादा अच्छा है, आपको व्यू ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो चलो अब चलते हैं वापस, आज का दिन हो गया ख़त्म। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल को और मेरे चेहरे को दोनों को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए तो वो भी बता देना है। हम चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल। यार मैं अभी बोल रहा था कि यहाँ रोड खाली हो जाता है शाम होती है, तुम लोग मेरे को एक सेकंड में झूठा साबित कर दिए। नहीं भाई हो जाता है ना, 8 बजे के बाद आपको लिटरली रोड खाली दिखेगा। चलो बाय बाय।